सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज कॉर चंदनास ब्लॉग। तो आज मैं एक मेकअप करने जा रही हूँ, तो आप देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप आप भी मेरी तरह मतलब करते जाओ जो मैं कर रही हूँ। पहले मैंने रोज़ वाटर से अपनी फेस को थोड़ा सा डैप किया है, फिर एक प्राइमर मैं अप्लाई कर रही हूँ जो एरोमा मैजिक का है, थोड़ा सा मसाज देते हुए, और अभी मेरी लिप को हाइड्रेट करने के लिए एक लिप बाम मैं लगा रही हूँ, जो कि मतलब लगाने के बाद लिप बहुत सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी एक मॉइस्चराइज़र जो कि है निविया की। तो ये है वो मॉइस्चराइज़र जो बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट भी है। तो मैंने फिंगर में ले लिया है, थोड़ा डॉट लगा के उसको फिर मैं फेस में अप्लाई कर ली हूँ मसाज के थ्रू। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके लाइक शेयर कर दो, और धीरे धीरे बढ़ते हैं हमारी फाउंडेशन की तरफ। और ये ब्यूटी ब्लेंडर देखो, कुछ कुछ उन्होंने ये कर दिया था, खैर मैं क्या ही कर सकती हूँ, छोटा बच्चा है। तो अभी मैं फाउंडेशन को ऐसे थोड़ा सा ले रही हूँ हाथ पे, और इसको मैं थोड़ा सा डॉट डॉट फॉर्म में मेरी फेस में लगा रही हूँ, और थोड़ा सा ब्लेंड भी हो गया। और अभी मैं कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छी तरीके से इसको मैं ब्लेंड करूँगी। और कभी भी अपने नेक और ईयर को मत भूलना फाउंडेशन लगाना, वरना भूत लगोगे आप। और अभी देख रहे हो मेरी जो फेस है, थोड़ा सा पिंपल का जो स्पॉट है वो दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो मेरे पास एक हैक है जो लिपस्टिक, ऐसा कलर करेक्टर टाइप का लिपस्टिक ऑरेंजिश मैंने मेबलिन का लिया है, मुझे शेड अभी मालूम नहीं है। तो जहाँ जहाँ पे भी आपको मतलब ऐसे स्पॉट है वहाँ पे आप थोड़ा सा लगा लो, और फिंगर की हेल्प से भी आप इसको ब्लेंड कर सकते हो, या फिर कोई ब्रश की हेल्प से भी आप ब्लेंड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे फिंगर की हेल्प से ही मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। और अभी मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन ले लिया है, जहाँ जहाँ पे भी हमने ऑरेंज कलर थोड़ा सा करेक्ट करने के लिए लगाया है वहाँ पे फाउंडेशन थोड़ा सा दे के डैप करना पड़ेगा। तो उस मतलब डैप करने से जो आपकी जो स्पॉट है ना ब्लैक ब्लैक, वो एकदम से गायब हो जाएगा। देखिए कोई स्पॉट अभी दिख नहीं रहा है, बिल्कुल वैनिश हो गया है एकदम। तो ये वाला हैक आप बिल्कुल और बिल्कुल ट्राई करो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो सब मैंने फुल मैंने कर लिया है कवर, अभी चलो बढ़ते हैं। तो अभी मैंने फिटमी का कॉम्पैक्ट ले लिया है, और एक ब्रश की हेल्प से उसको थोड़ा सा पिक कर रही हूँ, थोड़ा डस्ट करके अपनी जो फेस है उसको मैं अच्छी तरीके से अभी सेट कर रही हूँ। तो पहले मैं आई की अंडर आई में कर रही हूँ, उसके बाद थोड़ा सा फोरहेड में, और उसके बाद थोड़ा सा फेस में, और लगाते लगाते ही डैप डैप करते हुए थोड़ा सा मैं झाड़ भी रही हूँ, ताकि जो बाकी मतलब जो ज़्यादा प्रोडक्ट रह जाएगा वो डस्ट आउट हो जाए, इसीलिए ताकि एक अच्छा फिनिश मतलब मुझे मिले। और मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ मेरी मम्मी से, तो मतलब ऐसे बकबक मैं करती रहती हूँ, तो इसको आप थोड़ा सा इग्नोर ही कर सकते हो। उसके बाद मैंने ब्यूटी ग्लेस का एक पैलेट लिया है, इसमें से मैं पिक कर रही हूँ एक लैवेंडर टाइप की जो कलर है ना, हाँ ये वाला कलर मैं थोड़ा सा पिक कर रही हूँ, थोड़ा डस्ट करूँगी। और उसके बाद मैं मेरी आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर पे मैं थोड़ा थोड़ा सा अप्लाई करूँगी। और अभी मैंने एक पिंकिश पर्पल लिया है, और इसको भी मैं प्लेस करूँगी आउटर कॉर्नर पे, बस थोड़ा सा ही मैं प्लेस कर रही हूँ, दोनों आई में मैं कर लूँगी ऐसे ही। उसके बाद मैं एक डार्क कलर की पिंक ले रही हूँ, जो फूशिया पिंक होता है वो, तो उसको भी मैं थोड़ा थोड़ा सा मतलब आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर पे मैं थोड़ा एकदम हल्का सा मैं लगा रही हूँ, जैसे कि आप देख ही सकते हो एकदम हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत कम भी नहीं, और मैं ब्लेंड भी कर रही हूँ उसके साथ साथ। तो मेरी ब्लेंडिंग हो गई है,
तो अभी मैं थोड़ा सा फाउंडेशन लूँगी कट क्रीज करने के लिए। तो मैंने मेरे हाथ पे थोड़ा सा ले लिया है और एक थोड़ा सा फ्लैट ब्रश आपको चाहिए और उसकी हेल्प से मैं करूँगी कट क्रीज। चीज़ करने के लिए थोड़ा बहुत पेशेंस तो आपको मतलब लेना ही पड़ेगा और बहुत ज़्यादा धीरे धीरे अपनी हाथ को चलाना होगा और उसके बाद ऐसे लाइन बना के फिर फाउंडेशन को अप्लाई करना पड़ेगा। वीडियो आप देख रहे हो। मेरा दोनों आई हो गया है, आप देख सकते हो। अभी मैं एक शिमरी टाइप की स्काई कलर लूंगी और थोड़ा सा डार्क वाला, मैं लाइट कलर नहीं यूज़ कर रही हूँ। तो ये इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर पे आपको ऐसे ही डैब डैब करना पड़ेगा जहाँ पे हम लोगों ने फाउंडेशन मैंने लगाया था वहाँ पे। तो दोनों आईज पे ऐसे ही फिंगर्स की हेल्प से मैं कर रही हूँ, आप ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हो। और बाकी का जो प्रोडक्ट मेरे फेस पे लगा हुआ है उसको मैं ऐसे ब्रश से झाड़ झाड़ के मेरे मुंह से निकल रही हूँ, निकाल दे रही हूँ। और अभी एक शिमर कलर लिया है मैंने हल्का पिंकिश, और उससे मैं जो मिडिल आई होता है ना तो वहाँ पे मैंने थोड़ा सा लगा लिया है, दूसरी आई पे भी मैंने कर लिया है। अभी एक वाइट पेंसिल और एक ग्लिटर लूँगी, इसका मुँह छिला हुआ नहीं था, मैंने उसको शार्प कर लिया। फिर लोअर लाइन पे वाटर लाइन जो होता है वहाँ पे मैंने इसको अप्लाई कर लिया है धीरे धीरे से बहुत, और एक ही लेयर मैंने लगाया है, बहुत ज़्यादा नहीं। और उसके बाद ग्लिटर से मैं ऊपर ड्रॉ करूँगी ऐसे, ऊपर आईलाइनर जो मतलब होता है ना, तो वो थोड़ा ऊपर आई के ऊपर ड्रॉ करूँगी ऐसे, और थोड़ा सा इनर कॉर्नर में भी बाद में मैं दे दूँगी। तो ट्राई करी हूँ एक न्यू लुक, तो कैसा लग रहा है आप लोग थोड़ा सा बताना कमेंट करके। अभी मस्कारा अप्लाई करूँगी आईलैश में, और उसके बाद अब मैं ब्लश लगा रही हूँ, और ये वो प्योला पिंक है तो बहुत थोड़ा सा ही लेना है। और फेस पे मैं अप्लाई कर रही हूँ एक ब्रश की हेल्प से। और अभी मैं थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ही कंटूर कर रही हूँ मेरी फेस को, बहुत थोड़ा सा। तो मैंने चिक्स पे लगाया है और ये मैंने ऐसे ही ब्लेंड कर लिया। अभी बाकी है लिपस्टिक, तो चलो वो भी अप्लाई कर लेते हैं। तो मेरे पास ऐसे एक पर्पलिश और पिंक मिक्स टाइप का एक कलर है जो कि बहुत सुंदर कलर है, तो ये मैं अप्लाई कर रही हूँ। पहले लिप को लाइन कर रही हूँ, फिर मैं उससे ही करूँगी मतलब कि फुल जो लिप है मैं इससे ही फिल कर दूँगी। और ये करते करते ये टूट गया, फिर मैं उससे मतलब उसको ना छिलके मैं वही छोटा सा डॉट जो है उससे मैं मतलब उसकी हेल्प से ही ऐसे मैंने पहन लिया लिपस्टिक स्ट्रगल करते हुए। अगर ऐसे टूट जाए ना पेंसिल तो उसको ना ऐसे लिप बाम में रख दिया करो। कभी भी आपको अगर थोड़ा सा टिंट चाहिए इस तरह से थोड़ा सा लिप बाम में मिक्स कर लेना और लगा के चला जाना, अच्छा लगेगा, थोड़ा सा कलर भी आएगा। तो मुझे पेंसिल, सो अब बारी है हाइलाइटर की। तो हाइलाइट के लिए मैं यूज करूंगी आज ये वाला कलर, पिक करूंगी, डस्ट करूंगी और अप्लाई करूंगी। फाइनली मेरा लुक बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, और मैंने आईब्रोज किया है बट थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया है मेरे से। तो अभी मेरा फुल लुक देख लो।
आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और वेडिंग सीजन्स में वेडिंग सीज़न है तो ऐसा वाला लुक आप करके जा सकते हो। सो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सो बाय, लव यू।